नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं सुबह की अखबारों की सुर्खियों को लेकर। तो सबसे पहले बात करूंगी दर्शकों आपसे, धूमल होंगे मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगामी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। सबसे पहले आपको दर्शकों ये बताना चाहूंगी कि गुजरात विधानसभा और हिमाचल प्रदेश दोनों में चुनाव होने वाले हैं आगामी दिनों में। दिसंबर में गुजरात में है तो वहीं नवंबर में एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। लेकिन गुजरात में बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अपना भाजपा का उम्मीदवार, जो कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन है मुख्यमंत्री की रेस में, अभी तक घोषित नहीं किया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें धूमल का नाम सामने आ रहा है और अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है। इस बात पे मैं अपने सहयोगी कासिफ जी से पूछना चाहूंगी। कासिफ जी, गुजरात में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर इतनी जल्दबाजी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो विजय कुमार धूमल को जो प्रत्याशी बनाया है जी, ये काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अगर आप इनके पास्ट में जाकर देखेंगे, विजय कुमार धूमल एक बहुत ज़बरदस्त मंझे हुए बीजेपी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास चेहरा था हिमाचल के लिए, तो इन्होंने अमित शाह ने वहाँ पर उतार दिया। लेकिन अभी गुजरात के लिए अभी पत्ते नहीं खोल रही है बीजेपी। वो किस लिए नहीं खोल रही है, उसकी दो वजह हैं, या तो उनके पास चेहरा नहीं है या फिर वो अभी कांग्रेस के पत्ते देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। चलिए, आपने बात की कि धूमल बहुत अच्छे एक सियासतदार हैं, बहुत अच्छे सियासी नेता हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव है सियासत का, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, उनकी अगर उसी आधार पर उनको धूमल को मुख्यमंत्री चुना गया है बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि विजय रूपानी जो कि गुजरात के अभी मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लगता है यूपी से इसकी तुलना की जा सकती? योगी आदित्यनाथ का नाम भी सामने नहीं आया था दर्शकों, लेकिन जब इलेक्शन की मैंडेट आ गया था उसके बाद से पता चला कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उससे पहले जब विधानसभा चुनाव की लहर चल रही थी यूपी में, जब चुनाव वहाँ नहीं हुए थे, कई लोग के नाम सामने आए थे बीजेपी में, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी, यहाँ तक कि अमित शाह का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन गुजरात में नाम नहीं सामने आ रहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी बहुत ज़्यादा वो एक कहते ना कि एक गढ़ी हुई राजनीतिक? बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े फैसले और कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं जी। वो ऐसा फैसला लेते हैं जिससे पूरा देश एकदम स्तब्ध हो जाता है, एकदम चौंक जाता है। चाहे वो किसी भी, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनाया जाना, उसमें कहीं ना कहीं कड़ी है। और ऐसे ही अब गुजरात के लिए वो ऐसा, और जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए रामनाथ कोविंद का नाम एक ऐसे सामना लेकर आए कोई जान भी नहीं सकता था। सही। तो उसी तरीके से गुजरात में भी ये कोई ना कोई शायद हो सकता है कि ऐसा कोई बम फोड़ सकते हैं, मतलब बम फोड़ सकते हैं। लेकिन चलिए, गुजरात के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो विजय रूपानी जिनको भी बनाया गया है अभी जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है उन पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं? वो सिर्फ एक ऑप्शन थे उस टाइम आनंदीबेन के परिप्रेक्ष्य में कि आनंदीबेन पटेल को हटाना है तो विजय रूपानी को लाना है, लेकिन क्या नितिन पटेल का भी उस समय नाम सामने आया था? दर्शकों आपको बता दूं, लेकिन नितिन पटेल को नहीं बनाया गया था, विजय रूपानी को सीएम बनाया गया था। नितिन पटेल भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री गुजरात के? बिल्कुल, नितिन पटेल भी बन सकते हैं। और रही बात आपने जो विजय रूपानी की बात कही कि आनंदीबेन पटेल के बाद जब विजय रूपानी को बनाया गया था तो विजय रूपानी की परीक्षा लेने के लिए उनको रखा गया था, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी में इस चीज़ की बात चल रही है कि विजय रूपानी अपने उस पर पूरे खड़े नहीं उतरे हैं, हो सकता है कि अब उनकी कुर्सी सरकती हुई नजर आ रही है। चलिए, अब कौन होता है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का उम्मीदवार, फिलहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से धूमल का नाम सामने आ गया, लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि कांग्रेस को कड़ी पटखनी देगी वो सूबे में। चलिए, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं जो जनसत्ता अखबार ने फ्रंट पेज पर छापी है, भगवाधारी मुख्यमंत्री का कार्यालय भी अब भगवा। यूपी से जुड़ी खबर है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय निवास को एकदम पूरा भगवा कर दिया है। क्या लगता है मतलब कासिफ जी, जो मुद्दे हैं यूपी के जो सियासी पृष्ठभूमि पे, जो वहाँ पे जैसे बच्चों की वहाँ पे मौत लगातार हो रही, शैक्षिक व्यवस्था, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो मदरसों और पता नहीं है भगवा, इस तरह से क्या ध्यान दे रहे हैं? देखिए, इस चीज़ की मंशा तो आपको तभी समझ जानी चाहिए थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था जी। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके सोफे, उनकी तौलिया, उनका एक एक चीज़, इनके पर्सनल सारे जितने भी यूजर्स हैं, उनकी करने वाली चीज़ें हैं, वो सब भगवाकरण के रंग में रंग चुकी हैं। कल वहाँ पर रंग शुरू हुआ है, वहाँ के दीवारों पे, वहाँ के हर एक चीज़ पे भगवा रंग से रंगा जा रहा है।
और इवन के वो जो भी चीज कर रहे हैं वो जहाँ बैठ रहे हैं वो कुर्सी भी वो उनकी भगवा रंग की हो गई। मैंने पूरा आध्यात्मिक लगन चाहते हैं, लेकिन भले ही यूपी में कैसे भी सियासी कैसे भी हालात हो, भले ही विकास दर भी अच्छी ना हो, लेकिन हाँ भगवा जरूर। हालांकि हालांकि वहाँ दिन दहाड़े वहाँ पर हत्याएं लूट और दुष्कर्म अपराध के स्तर बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास का जो वो नवीनीकरण होना चाहिए भगवा कलर में जरूर होना चाहिए, है ना जी? बिल्कुल सही। शिया वक्फ बोर्ड चाहता है बने राम मंदिर, कल इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आई थी और जनसत्ता ने आज फ्रंट पेज पर तरजीह दी है कि शिया वक्फ बोर्ड जो कि इनके जो मुख्य प्रमुख हैं वसीम रिजवी, उन्होंने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की थी और उनको उनसे कहा था कि हम वहाँ पर चाहते हैं कि राम मंदिर बने, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ है। और साथ ही साथ रिजवी ने यह भी कहा था कि वो ऐसे मौलानाओं को स्वीकार नहीं करेंगे जो फालतू का दो सांप्रदायिक फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बाकी जैसा शिया वक्फ बोर्ड राम मंदिर के पक्ष में है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अगेंस्ट में है, क्या लगता है दोनों में टकराव होगा? जी बिल्कुल, देखिए शिया समुदाय की अगर हम जहाँ तक बात करें तो शुरू से ही मोदी के फेवर में शिया वक्फ बोर्ड और शिया समुदाय रहा है, चाहे बीजेपी की जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है जो विंग है वो भी शिया मुस्लिम उस पर ही ज़्यादा काबिज हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं शियाओं का झुकाव है और शिया लोग चाहते हैं कि राम मंदिर वहाँ बने, तो इसमें चीज़ को लेकर मोदी को और बीजेपी गवर्नमेंट को इस चीज़ का फायदा जी। दैनिक भास्कर पे फ्रंट न्यूज फ्रंट पेज पर एक खबर बहुत अच्छी, भारत के विकास के लेकर जो कभी काफ़ी एक आलोचना की जाती थी कि हिंदुस्तान जिस तरह से उसकी विकास की जो और डेवलपमेंट जो रैंकिंग है कहीं ना कहीं सुधर नहीं रही, लेकिन उसको लेकर बहुत बड़ी एक खुशखबरी कहें तो गलत नहीं होगा कि कारोबारी माहौल में भारत की रैंकिंग 30 पायदान सुधरकर 100 पर पहुँच गई है। सबसे पहले नोटबंदी और जीएसटी के कारण जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था, बहुत बड़ा मुद्दा है कि नोटबंदी और जीएसटी को कहा जा रहा था, यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने उंगली खड़ी की थी केंद्र सरकार की तरफ कि उनका इशारा था कि जीएसटी और नोटबंदी को लेकर देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत हानि पहुँची है, लेकिन अब ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि जीएसटी और नोटबंदी से देश को फायदा हुआ है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, कारोबारी माहौल में बदलाव तो हुआ है, कुछ चीज़ें इस तरीके की हुई हैं जो फैसले कुछ ऐसे कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऐसी होती हैं पॉलिसीज़ होती हैं जो पब्लिक प्लेस नहीं आ पाती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती हैं, और बट उनको जो है गवर्नमेंट उनको अप्लाई करती है, उनको अप्लाई करती है अच्छे से, और तो हो सकता है कि इस चीज़ का इसको फायदा जी। दर्शकों आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है रैंकिंग में देश ने लंबी छलांग लगाई है, 190 मुल्कों में भारत 100वें स्थान पर आ गया है और पिछले साल 130वें पायदान पर था, लेकिन अब 100वें पायदान पर यानी कि 30 पायदान ऊपर आया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदुस्तानवासियों के लिए कि हमारा देश लगातार अब विकास की गति पर अग्रसर हो रहा है। चलिए अगली खबर पर बात करते हैं जो कि इसी दैनिक भास्कर पे ही है, 3 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी और पिछली बार भी हालचाल पूछा था, इस बार भी दोनों के तेवर चर्चा में। गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें या हिमाचल प्रदेश चुनाव की बात करें या बीते जितने भी चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव साल 2014 की बात करें, हमेशा ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी रहते हैं, होना भी लाजमी है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस जो कि कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है तो एक दूसरे के खिलाफ बोलना तो बनता ही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर मीडिया में ये बनी कि दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, जबकि इस टाइम गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में काफी अनबन और काफी एक दूसरे पर कटाक्ष करे जा रहे हैं और इसमें लेकिन एक इस तस्वीर पे आपको अगर गौर से देखेंगे, इस तस्वीर को अगर आप एनालाइज करेंगे सही से, तो ये तीसरी तस्वीर ऐसी है जिसमें राहुल गांधी काफी मोदी को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं, बातचीत से नहीं सिर्फ उनके फेस एक्सप्रेशन भी इस तरीके के हैं और बहुत अच्छी लाइन लिखी है दैनिक भास्कर ने कि दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते जरूर रहिए, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात लिखी है मोदी और राहुल पे कि ठीक है हम सियासत हैं, हम विपक्ष के हो, हम सत्ताधारी हैं, लेकिन हमारे बीच जब एक पर्सनली मुलाकात हो तो हम कम से कम कटाक्ष ना करें, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो गुजरात में पीएम मोदी को पीएम मोदी के गढ़ में बिल्कुल सेंध लगाने के लिए तैयार हैं, क्यों कासिफ जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी काफ़ी बदलाव आया है उनके उनके ट्विटर्स पर, जिस तरीके के उनके कमेंट्स हैं, जिस तरीके से रिट्वीट्स हो रहे हैं, तो उसको लेकर राहुल गांधी में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। चलिए काशी जी, बहुत बड़ी खबर आई है राजधानी नई दिल्ली से कि प्रदूषण 10 गुना तक बढ़ गया है, ऑड इवन की बात हो रही थी अभी हाल फिलहाल बीते दिनों खबरें आई थी कि ऑड इवन को फिर से दिल्ली की सड़कों पर लागू किया जाएगा, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है कि यहाँ पर 10 गुना जो है वो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, क्या लगता है कि बहुत जल्दी आपको कोशिश करनी चाहिए ऑडियन को लाने की? ये तो बहुत ज़्यादा सोचने का मकाम है कि 1020 तक माइक्रोग्राम पहुँच चुका है जी,
यानी प्रदूषण ऐसे लेवल पर पहुंचने वाला है आने वाले दिनों में, जिससे कि यहाँ दिल्ली वासियों को सांस लेना भी मुश्किल। और सबसे बड़ी बात काशिफ जी ये कहना चाहूंगी कि नवंबर का महीना लग चुका है, बाकी हिस्सों में, देश के बाकी हिस्सों में अगर बात करूँ तो कोहरे की धुंध आने लगी है, ठंड होने लगी, लोग स्वेटर पहनने लगे, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। मौसम में कोई तब्दीली नहीं, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा हो, बिल्कुल भी ठंड नहीं। और इंडिया गेट पर ये जो आप धुंध देख पा रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान ने छापी है जो तस्वीर, ये धुंध कोहरे की नहीं है, ये पॉल्यूशन की धुंध है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी दिल्ली प्रदूषण की पूरी आगोश में है, और इसके लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ जो है सबको एक कहते ना कि सहयोग देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ताकि जो हम सांस रहे हैं, जो हम आम वासी हैं, जो यहाँ की दिल्ली वासी हैं, वो जो सांस लें वो एक अच्छी साफ और स्वच्छ सांस लें, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। सबसे बड़ी एनबीटी की बात करूं तो जो रेल यात्री हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अक्सर मैंने ट्रेनों में देखा है, मैं खुद भी ट्रेन में सफर करती हूँ, मैंने देखा है कि IRCTC बहुत एक कहते प्राइस तो ले लेती है टिकट का, तत्काल का भी लेती है, नॉर्मल टिकट का भी लेती है, लेकिन सुपर फास्ट का भी चार्ज लेती है, लेकिन वो कभी टाइम पे पहुंचाती नहीं है। बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं, दुरंतो हो की बात कर लें, राजधानी की बात कर लें, शताब्दी की बात कर लें, यहाँ तक कि भी मोदी सरकार ने हम सफर ट्रेन निकाली थी, वो भी अपने टाइम से 8 घंटे लेट थी। बहुत रेलवे का जो महकमा है उसमें बहुत सी खामियां सामने आ रही हैं लगातार, ऐसा नहीं कि जो हमारी पिछली सरकारें रही वहाँ पे हादसे नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए ना, पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय सौंपा गया, जब सुरेश प्रभु थे तो बहुत सारे हादसे हुए। अब क्या है, सुपरफास्ट को लेकर जो किराया आप लोग देते थे दर्शकों, अब वो नहीं देना होगा आपको, क्योंकि सुपरफास्ट का किराया आप इसलिए पे करते थे ताकि ट्रेन आपको सही समय पर पहुँचा सके, लेकिन फिलहाल अब इसको आपको नहीं देना होगा, इसको हटा लिया गया है। वहीं NBT ने एक और खबर छापी है, जनरेटर के बिना ही रोशन होंगी शादियां। क्या कहेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक कुछ आया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो EPCA ने शादियों के लिए जनरेटर सेट की छूट देने से साफ मना कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है कि जनरेटर, क्या लगता है कि बिल्कुल देखिए जनरेटर के बिना शादी, इसमें दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि शादी हॉल्स में अगर बिना जनरेटर के अगर शादी वहाँ होगी तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर जनरेटर लगाया जाता है तो वो प्रदूषण की समस्या बनी रहती है, तो इस पर सरकार को और जो वो प्रशासन है उस चीज़ को देखिए, ये जो इसे मंथन किया जा रहा है, ये सिर्फ नई अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में लागू किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बड़ी बातें होती हैं कि प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ रहा है बाकी गांव कस्बों की अपेक्षा, तो क्या लगता है कि अगर इसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लागू किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा? बिल्कुल मेट्रो सिटीज़ में इसको लागू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लाइट की समस्या कम है, और ऐसे में अगर जनरेटर वहाँ से हटाया जाता है शादी में से तो वहाँ समस्या कम होगी। तो दर्शकों, आज के हमारे अखबारों की सुर्खियों जो खास प्रोग्राम है उसमें बस इतना ही। कल सुबह फिर से आपके सामने हम और काशिफ जी हाजिर होंगे अपना प्रोग्राम लेके और नई ताज़ातरीन सुर्खियों के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।